सुना लग रहा है ये देखिए अमना का ड्रेस बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मैं तो तैयार हो चुकी हूँ। अच्छा, आमना के और जो बहन आमना के और मैंने अपने कपड़े जो हल्की फुल्की सी लगाने वाली थी वो लगा ली है, शूज भी निकाल लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जी मैं जूलरी का कर रही थी काम, और मदर ने कहा है कि जरा मुझे जूलरी का थोड़ा सा बता दो, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि गोल्डन ही सूट है तो मेरा दिल है कि लाइट से ना ये वाले इयर रिंग पहन लेती हूँ। ये ठीक है ना? या एक मुझे ये यहाँ पे पसंद आए थे, लेकिन वो फिर मैंने कहा कि वो बहुत ज्यादा ना ऐसे हो जाएंगे शौक से ना, हैं ये वाले तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे ना, लंबे आ जाते हैं ना फिर बहुत ज्यादा, हैं ये वाली मुझे तो गोल्डन ये अच्छी लगी लाइट से ना। तो साथ में ये मैंने अपने लिए जी ये रिंग निकाले हैं, ये रिंग निकाली हैं थोड़ी सी। पहले तो मेरा दिल था कि ये वाले पहन लेती, लेकिन ये फिर मैंने कहा कि बहुत ज्यादा शोशे माशे बन जाएंगे नहीं, तो फिर मैंने वही निकाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये रिंग वगैरह इतनी अच्छी मेरे पास हैं, लेकिन ये मुझे आती नहीं है, मेरी उंगलियां देखो कितनी मोटिका मोटिका, मेरी गायब उंगलियां, मुझे सारी अंगूठियां खुली हैं, इसको खुली हैं सारी, ये मुझे सारी अंगूठियां खुली हैं और मामा को सारी, एक भी नहीं आती, इतनी ज्यादा रिंग है कसम से, इतनी अच्छी मतलब डिजाइनिंग वाली रिंग है हसीन, और मुझे आती नहीं है। और नेल पॉलिश लगानी थी, फिर नमाज पढ़नी होती है, मुझे तो उतारने की बड़ी मुसीबत होती है। अच्छा, ये आमना के लिए ज्वेलरी निकाली है, क्योंकि उसने जो ड्रेस पहना है ना उसके 3/4 है स्लीव्स, तो मेरा दिल है कि उसको ना जरा, इतनी अच्छी ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई है, मैंने कहा उसको पहना दूँ, फिर पड़ी पड़ी छोटी हो जाएगी, और फिर बड़ी हो जाएगी तो फिर ये ज्वेलरी मेरे किस काम की होगी। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजर हैं, हम स्टोरी वगैरह लगा रहे होते हैं, प्लीज वो देखते रहा करें, आप बार बार पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से लिए हैं, ये आपने कहाँ से लिए हैं, तो ये हम जहाँ से लेते हैं आप स्टोरी का स्क्रीनशॉट ले लिया करें, पेज हमने मेंशन किया हुआ होता है, तो आपकी ना आसानी के लिए मुकद्दस की भी देखती रहा करें स्टोरी, और मेरी भी देखती रहा करें, ठीक है। पेज हम सामने मेंशन कर देंगे, पेज हम मेंशन कर देते हैं साथ साथ में, ठीक है। और ये जी ज्वेलरी वगैरह भी निकल आई है, शूज वगैरह भी हो गए हैं, कपड़े भी हो गए हैं, मैंने मेकअप भी कर लिया है, अब सिर्फ मैंने जी कपड़े चेंज करने हैं, अब मैं कपड़े चेंज करूंगी, आमना के चेंज करूंगी, आमना के भी जी बाल स्ट्रेट भी कर लिए, मैंने अपने भी हेयर स्ट्रेट कर लिए हैं, और आमना का हेयर स्टाइल भी बन गया है, अब बस कपड़े चेंज करने हैं और उसके बाद रेडी होगी। मेरा दिल है पहले मैं बच्चों का खत्म करूंगी, इब्राहिम को तो मैंने चेंज कर लिया, लेकिन आमना सिर्फ चेंज करने रह गए, वो करूंगी, फिर ना आपको क्लिप दिखाती हूँ, और फिर शादी पे जाएंगे, मेहंदी है आज, और माशाल्लाह ना काफी रौनक होती है इनकी मेहंदी पे ना, हम पहले भी जाते रहते हैं, आगे मैं व्लॉगिंग नहीं थी करती, अब व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो फर्स्ट टाइम इनकी शादी पे जा रहे हैं, तो माशाल्लाह ना काफी ना रौनक होती है इनकी शादी पे ना, तो फिर ना इंशाल्लाह सारा व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो चले आप बस मैं ना कपड़े एक दफा चेंज करूँ। अच्छा, हमारा ना सिलेंडर असल में खत्म हुआ हुआ था, तो जिसकी वजह से अभी तक ना इनको शावर नहीं दे सकी हूँ, आप देखें 4 बज गए हैं, अब बस बच्चों को शावर दूंगी और साथ ही मैं तैयार करूंगी। आमना के लिए ये वाला मैंने ड्रेस निकाला है, इसके ऊपर सारे गोटे का वर्क हुआ हुआ है, और माशाल्लाह ना बड़ा प्यारा इसका ना इस तरह से, ये देखें ना डिज़ाइन है, और ये साथ में दुपट्टा भी है, अल्लाह करे अब आमना को पूरा आ जाए। ये जी मैंने लास्ट ईयर सिलवाया था, एक शादी थी उसके लिए, लेकिन शादी गर्मियों में चली गई जो इनके कज़न की थी, तो ये मेरे पास सूट नया स्टिच रखा हुआ था, मैंने कहा मेहंदी के हवाले से बहुत ज़्यादा ये अच्छा है, मैंने कहा यही पहन लेती हूँ, ठीक है, येलो से कलर में आ जाता है। और ये जी हम मुकद्दस का ड्रेस है, ये प्रेस होने वाला है, हमारे तो प्रेस हुए हुए हैं। अच्छा, ये कुछ इस तरह से है फैंसी, और मतलब डबल शर्ट जैसे बनी हुई होती है ना, ये मुकद्दस ने सिर्फ आगे एक दफ़ा ये सूट पहना है, और अब ये सेकंड टाइम उसने पहना है, ठीक है। तो अब ये बस प्रेस करेंगे, और बस जी आप बच्चों को शावर वगैरह दूंगी, और उसके बाद इनको तैयार करूँगी, मुकद्दस भी रेडी हो गई है, और मुकद्दस ने जी ये देखें इस तरह से वेयर किया अपना ड्रेस, ठीक है, और जो दुपट्टा था ना उसी के साथ मुकद्दस ने हिजाब अपना कर लिया, बड़ी मुश्किल से इससे हुआ है। अब मुझे समझ आया कि सारे शिफॉन के दुपट्टे मैच क्यों कर लेते हैं, उन्हीं दुपट्टों को बार बार क्यों नहीं करते, अनलेस कि वो दुपट्टा छोटा, ये दुपट्टा बहुत बड़ा था। वैसे पता नहीं आपको मतलब वीडियो में कैसा लग रहा है, लेकिन रियल में ना इतना ज्यादा शोहा सूट नहीं है, लेकिन वीडियो में पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है, मेरा तो वेख के तुसी बेहोश ही हो जाना। तो ये जी है मेरी फाइनल लुक,
मैंने कहा आपने मुझे तो देख के बेहोशी हो जाना है कि बाजी ने पता नहीं की हो गया। अच्छा ये पिछली दफा हमने गाँव जाना था शादी पे, उसके लिए मैंने बनवाया था और अभी तक ये मैंने पहना नहीं था। अब ये शादी आई थी तो मैंने कहा मेहंदी है तो उसके हिसाब से ना मतलब येलो मस्टर्ड कलर अच्छा लगेगा, तो इसलिए ये मैंने वेयर किया है। बिल्कुल प्लेन ऐसे सिंपल सा सिलवाया था और बस अब बस मलिक साहब भी आ गए हैं, वो भी तैयार हो गए हैं, बच्चे भी तैयार हैं। उनका क्लिप आपके साथ पहले शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। कितना सुना लग रहा है ये देखिए आमना का ड्रेस, बिल्कुल सही है आमना के माप का है। और ये लियो जी नीचे घुसा हुआ है। आमना क्या खा रहा है ऑल पर? ये जी मलिक साहब भी तैयार हो गए हैं और इब्राहिम बहुत ज्यादा वेट कर रहा है। तो भाई निकलो लियो इधर आओ आमना, चलो पापा बुला रहे हैं आपको। लियो ये जी लियो ने गा रहे ना, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी कह रही थी कि मैंने मैंने मेहंदी पे नहीं जाना, तो अम्मी जी सोई हुई हैं। मेहंदी का फंक्शन जी कैंट पैलेस पे था। अच्छा सरगोधा के रहने वालों को पता होगा कि जहाँ पे पहले हर्ष हुआ करता था ना, ये वहीं पे बना है। ठीक है, हर्ष काफ़ी अर्सा बंद रहा है, उसकी जगह पे अब ये न्यू बना है। अच्छा सबसे पहले तो हमने कहा कि दूल्हा दुल्हन से मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक वगैरह बनवाते हैं, मूवी बनाते हैं। ये जी दुल्हन है, साथ में दूल्हा। अच्छा ये आपस में कज़न है और माशाल्लाह माशाल्लाह पाक जोड़ी सलामत रखे। एक दिन पहले निकाह हो गया था और आज मेहंदी थी, और एक दिन छोड़ के फिर इन्होंने ना वलीमा और बरात इकट्ठी रखी हुई थी। ठीक है, और खाना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़े का बना हुआ था। सबसे पहले सूप सर्व किया गया था और उसके बाद हलवा पूड़ी थी, साथ में चने थे, साथ में वाइट कौरमा, सैलड वगैरह और बारबेक्यू। बारबेक्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़े का लगा था कि सीख में ला ला के फ्रेश फ्रेश जो था ना मतलब कि सर्व कर रहे थे। और टिक्का बोटी वगैरह थी, कबाब थे, ये जिस जैसे कि प्लेट में मैंने आपको दिखाया है। और असल में और भी काफ़ी गैदरिंग थी ना, लोग और भी बैठे थे, इसलिए फिर मैं ना ज़्यादा क्लिप नहीं ले सकी। और उसके बाद जी मेहंदी का फंक्शन मतलब स्टार्ट हुआ कि पहले जो सारी कज़न है ना दूल्हा दुल्हन की, तो वो मेहंदी लेकर आई थी और वो स्टेज पर रख दी थी। और उसके बाद फिर ना सब मतलब ये सारे कज़न्स हैं। अच्छे जो ये स्किन से दुपट्टे वाले हैं ना, ये दुल्हन के भाई हैं। दुल्हन एक ही बहन है और ये दो साथ में उनके भाई हैं, ये तीन बहन भाई हैं बस, इनकी कोई मतलब और सिस्टर नहीं है। तो माशाल्लाह इतनी इन्होंने रौनक लगाई थी, इतना ज़्यादा इन्होंने डांस किया। और ये अच्छा साथ में इनके एक और कज़न है, उनका बेटा है, वो माशाल्लाह बैठ ही नहीं था रहा। इब्राहिम जो है वो बाबा के पास था, आमना और मुकद्दर यहाँ पे बैठे, हम तो बस यही रौनक देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। अच्छा ये मैंने दो दफ़ा कल वीडियो अपलोड करने की कोशिश की है म्यूज़िक के साथ, लेकिन कॉपीराइट आ जाता था, तो इसलिए फिर सारा म्यूज़िक जो है म्यूट करके तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और हालांकि म्यूज़िक के साथ काफ़ी रौनक थी, थोड़ा सा आज मेरा गला भी ख़राब हुआ है तो आपको आवाज़ से लग रहा होगा। और बस अल्लाह पाक बस बच्चियों के नसीब अच्छे करे और इसी तरह से हंसती खेलती रहें और अपना जो ज़िंदगी है ना वो इसी तरह से गुजारें जिस तरह से माँ बाप इतनी चाहत और इतने प्यार से अपने बच्चों की शादी करते हैं। तो बस जी काफ़ी देर मतलब इस तरह से रौनक लगी है। और उसके बाद फिर मेहंदी का फंक्शन हुआ था और फिर हमने भी मेहंदी, मैंने और मुकद्दस ने फिर हमने मेहंदी वगैरह लगाई और उसके बाद फिर बस क्लिप लिया है। और बस काफ़ी देर हो गई थी तो फिर हम घर वापस आ गए थे। ये जी बस अभी अभी हम शादी से वापस आए हैं और निकाह उनके एक दिन पहले ही हो गया था, तो उन्होंने ना ये बिद जो है ना सबको दी थी। अच्छा बस अभी आए शादी से वापस। अच्छा एक टिप आपके साथ शेयर करनी है कि पहले मैं भी बिल्कुल कोट शूज़ नहीं थी पहन सकती, अब मैं भी कोट शूज़ पहन लेती हूँ कि ये सिर्फ ये जो डबल साइडेड टेप है ना ये पीछे लगी इसके सर पर। ठीक है, ये आराम से ये पीछे से इधर से ही लगती है, ये जहाँ पर आपका शूज़ आके यहाँ पर कॉर्नर आता है ना, यहाँ कॉर्नर के इस जगह पे आपने अपनी एड़ी के ऊपर यहाँ पे डबल साइडेड टेप लगा लेनी है और आराम से आप भी अपने कोट शूज इस्तेमाल करें। मेरे यकीन करें कि ना ना करते भी कोई 10 से 15 कोट शूज हैं और वो मैं बिल्कुल भी पहनती नहीं थी, इसलिए नहीं थी पहनती कि मुझे ना इसी तरह मेरे पाँव के ऊपर ना जख्म बन जाते थे। आपको पता है कि जैसे छाले वगैरह बन जाते हैं, तो आप अलहमदुल्ला ये
टिप जब की अपनाई है तो उसके बाद हम ना मेरे पाँव जो है ना वो इस तरह कटते नहीं है। ठीक है, तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह शादी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही क्यूट कपल था, जैसे कि मैंने क्लिप आपके साथ सारे शेयर किए हैं। तो अल्लाह पाक बस बच्चों के नसीब अच्छे करे और आने वाली ज़िंदगी में उनकी जो राय हैं वो आसान हो, और अल्लाह पाक बस जोड़ी को सलामत रखे। आप भी बस न्यू जो भी कपल देखें उनके लिए दुआ किया करें, उनके नसीब के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।